Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाला है। आप ये डिजाइन ढूंढ ले, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा अपना डिजाइन है, इसको मैंने खुद क्रिएट करा हुआ है और आज हम इस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए, बिकॉज ये बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल होने वाला है। और एक मजे की बात, ये जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। मैं स्क्रीन का साइज कम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है और जैसे हैमबर्गर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से नैव लिंक शो हो जाते हैं और आइकन भी देख सकते हैं आप, क्रॉस में चेंज हो चुका है। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये कुछ ट्रांजिशन होने वाला है। तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट आज हम क्रिएट करेंगे और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। वीएस कोड में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से, और हम स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं दो फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक में फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html का, इसी तरीके से मैं सेकंड फाइल क्रिएट करूँगा css के लिए style.css, एंड एक फोल्डर बना देता हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इमेजेस का। मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एनिमी प्रोफाइल का इमेज है। अगर आपको ये इमेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया, वहां से इजीली आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इमेज को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर और अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं, तो इसको मैं क्लोज कर दूं एंड परफेक्ट, लेट्स गो टू index.html। फर्स्टली मैं लूंगा मेरा बॉयलर प्लेट कोड, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1 एंड देन एंटर करूंगा। आपको इस तरह से आपका बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। अब मैंने स्टाइल शीट तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, मैं टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग लगा लेता हूँ और href के अंदर फाइल का नाम डालूंगा style.css। अच्छा, अब अगर मैंने ये फाइल ओपन करना है ब्राउजर में तो कैसे करूंगा? सिंपल, अपन राइट क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल जो html फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो देखें, हमारा html फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है और टैब के अंदर हमें मिल रहा है डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को अपन चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं जाऊं टाइटल के टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर जो टाइटल का टैग है वहां पे डॉक्यूमेंट को रिमूव करके मैंने यहां पे डाल रहा हूं पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये आ गया पोर्टफोलियो वेबसाइट। अच्छा, मैं आइकन्स भी यूज करूंगा, तो अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो हमारे पास आइकन्स भी हैं। तो अगर ये आइकन्स हमें चाहिए तो कैसे लूंगा मैं ये? तो सबसे पहले मैं लिंक करवाऊंगा फॉन्ट ऑसम को। तो ब्राउजर में मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और सिंपल सर्च बार में सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर प्रेस करा, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा CDNJS वाले वेबसाइट का। उसको क्लिक करके आपने सिंपल CDNJS वाले वेबसाइट को ओपन करना है एंड यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टैग है लिंक टैग, इसको कॉपी करना है। मैंने कॉपी कर लिया है और मैं जाऊंगा index.html में, इसको नीचे स्क्रॉल करके ये जो स्टाइल शीट में लिंक करवाया ना, इसके नीचे ही मैं इसको करूंगा पेस्ट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक हो गया। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं बॉडी के टैग के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे सपोज करें मैंने एक H1 ले लिया, H1 के अंदर लिया फन कोडिंग एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, और यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है फन कोडिंग। अच्छा, अगर हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है सो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ एंड सर्च बार में हम सिंपल सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, एंटर प्रेस करा, फर्स्ट लिंक आपको गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट का मिलेगा, इसको क्लिक करके आपने गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में जाना है एंड सिंपल सर्च बार में आपने सर्च करना है पॉपिंस, एंटर प्रेस करेंगे आप, ये पॉपिंस वाला फॉन्ट आ गया, मैंने इसको क्लिक करके ओपन कर लिया है। सिंपल आपने सबसे पहले गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, देन इस गेट इम्पेड कोड के बटन पे क्लिक करना है एंड फिर आपने क्या करना है, फिर आपने
लिंक में नहीं बल्कि जाना है इम्पोर्ट में, एंड स्टाइल के टैग के अंदर ये जो इम्पोर्ट का लिंक है इसको करना है सिंपल कॉपी। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में एंड स्टाइल डॉट सी एस एस में इसको मैं करूँगा पेस्ट। अच्छा अब मुझे इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा बस, बट उससे पहले एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाऊंगा। एंड अभी चलता हूँ ब्राउजर में एंड नीचे स्क्रोल करता हूँ, ये वाला जो फॉन्ट फैमिली है पॉपिंस ये अपन कॉपी करेंगे एंड लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो देखिए फॉन्ट इसका चेंज हो चुका है, अमेजिंग हो गया फॉन्ट हमारा अप्लाई। अब एक और भी फॉन्ट आने वाला है वो भी हम इसी तरह से उठाएंगे, बट अभी के लिए ये जो पीछे देखिए फॉन्ट लगा हुआ है, बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा रिमूव ऑल कर दूंगा ताकि फॉन्ट हट जाए, रिमूव ऑल, बाद में हम आके अपना दूसरा वाला फॉन्ट जो है वो उठाएंगे। तो अभी चलता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट में एंड एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे टॉप में यहाँ पे साइडों में डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग है, इसको कैसे रिमूव करना है। यूनिवर्सल सिलेक्टर तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसमें हम क्या करेंगे मार्जिन जीरो कर देंगे, पैडिंग करेंगे जीरो एंड सिंपल अपन बॉक्स साइजिंग करेंगे बॉर्डर बॉक्स, तो जो भी डिफॉल्ट का मार्जिन हो और पैडिंग होगा वो रिमूव हो जाएगा, परफेक्ट। अब मैं इस फन कोडिंग को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। बट एक चीज अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स हैं, ज्यादा कलर्स नहीं है, एक सिंपल ब्लैक कलर है, एक पर्पल कलर है और एक व्हाइट कलर है, इन तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन करके ये वेबसाइट हमने क्रिएट करा हुआ, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपको इस तरह का डिजाइन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से क्रिएट करा हुआ है। तो ले स्टार्ट ले लेते हैं, पहले हम बनाएंगे कलर्स। तो मैं चलता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में एंड कलर्स आपको पता है हम हमेशा की तरह रूट बनाते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, कलर्स स्टोर करते हैं। और अच्छा अक्सर मुझे जो है वो कमेंट आ रहे थे कि रूट का आप बता दें, रूट से क्या होगा, यूजफुल ये किस तरह से है। तो जब भी हम रूट क्रिएट करते हैं, एक तो वेरिएबल जब भी बनाते हैं तो हाइफन हाइफन स्टार्ट में हम लाजमी जो है वो लगाते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल बनाने का जो है वो तरीका है। मैंने फर्स्ट कलर बना रहा हूँ तो डेश डेश वाइट डेश सी एल आर मतलब हाइफन हाइफन, और वाइट कलर क्या होता है हैश एफ एफ एफ। अच्छा रूट के अंदर कलर्स बनाने का मैं आपको क्या क्यों ये यूजफुल है मैं आपको बता देता हूँ, बट पहले मैं कलर्स बना लूँ। डेश डेश एक हमारा है ब्लैक डेश सी एल आर एंड हैश जीरो 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 एंड उसके बाद है पर्पल डेश डेश पर्पल डेश सी एल आर और पर्पल कलर क्या है 8 1 1 3 7 नहीं 3 FF आई थिंक यही कलर, ओ सॉरी मैंने हैश नहीं लगाया, हैश 8 1 1 3 FF ओके। सो ये इस तरह से आ गया हमारा पर्पल कलर। और अभी मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, आप सपोज कर ले कि हमारा कोई बड़ा वेबसाइट है और उस बड़े वेबसाइट के अंदर हमने कलर्स बहुत जगह यूज करे हुए और अब एंड में जाके कोई क्लाइंट कहता है कि हमें ये कलर जो है वो पसंद नहीं है, तो उसको किस तरह से आप चेंज करोगे। तो आप हर बार इस तरह से आप सी एस एस में चेक करते जाओगे कलर कहाँ पे अप्लाई, उसको चेंज करोगे नहीं। तो जब आपने वेरिएबल बनाया होगा तो सिंपल आप उस वेरिएबल के अंदर जाओगे, स्पेसिफिक जो कलर चेंज करना है उसको सिंपल चेंज करोगे एंड पूरे वेबसाइट में आपको ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से यूजफुल है। तो अभी अगर मुझे बॉडी में लगाना है ये यूज करना है ये कलर, तो मैं सिंपल बैकग्राउंड लेके वेरिएबल करूंगा डेश डेश पर्पल डेश सी एल आर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो देखिए अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आपके वेरिएबल जो है वो यूज होते हैं। सो अभी मैंने आपको दिखा दिया, इस बॉडी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और अपन स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले वेबसाइट में हमें पीछे ये ब्लैक कलर चाहिए, तो इसमें सिंपल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। बट उससे पहले क्या करेंगे, एक बॉडी के टैग के अंदर एक मेन का टैग ओपन कर लेते हैं एंड इसी मेन को टैग में मेन के टैग को मैं ले जाऊंगा स्टाइल डॉट सी एस एस में एंड इसको सिलेक्ट करूंगा एंड इसके अंदर बैकग्राउंड करूंगा सिंपल वेरिएबल डेश डेश ब्लैक डेश सी एल आर दैट्स इट। लेट्स गो टू ब्राउजर नाउ। तो अभी कलर तो अप्लाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका हमने हाइट नहीं बताया हुआ है कि ये जो मेन है कितना हाइट लेगा। तो यहाँ पे मैं मिनिमम हाइट ले लेता हूँ 100 PH। क्या अब कलर दिखने वाला है, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड दिस इज आवर ब्लैक कलर, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं
तो पीछे ये ग्लो से पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये देखिए बॉक्सेस बने हुए, तो ये हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ग्लो की तरफ चलेंगे। तो ये जो बॉक्सेस हैं, ये हमारा कोई इमेज वगैरह नहीं है, कोई वेक्टर इमेज हमने नहीं उठाया हुआ, बल्कि ये हमने खुद से क्रिएट करा हुआ है सीएसएस में। किस तरह से, लेट मी शो यू, लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट, नहीं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का काम ही नहीं है, स्टाइल डॉट सीएसएस में इस मेन के ऊपर मैं लगाऊंगा सूडो एलिमेंट, और सूडो एलिमेंट लगाऊंगा आफ्टर, क्योंकि बिफोर से मैं ग्लो क्रिएट करूंगा, आफ्टर से मैं ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी हम सूडो एलिमेंट लेते हैं, आपको पता, हम लेते हैं कंटेंट, कंटेंट को खाली में छोड़ दूंगा, पोजीशन इसमें लूंगा एब्सोल्यूट। अच्छा, अगर यहाँ पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट करें तो जिसके ऊपर हमने सूडो एलिमेंट लगाया हुआ है वहां पे हमें पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मुझे पूरा जो मेन का जो साइज है उसके हिसाब से फिट करवाना है, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जीरो ही रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इन चारों प्रॉपर्टीज का एक कंबाइन प्रॉपर्टी है विच इज इनसेट, और इनसेट कर दूंगा जीरो, तो मतलब टॉप जीरो, लेफ्ट जीरो, बॉटम जीरो और राइट जीरो है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बनाऊंगा बॉक्सेस, तो अगर अभी के लिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं बैकग्राउंड लेता हूँ इमेज रेड कलर, अगर मैंने ले लिया, लेट्स गो टू ब्राउजर, तो सॉरी बैकग्राउंड, ओके लेट्स गो टू ब्राउजर, देखिए कलर हमें मिल रहा है रेड कलर का, ठीक है। तो हमारा सूडो एलिमेंट तो क्रिएट हो गया, अब हमें बॉक्सेस बनाने, तो बॉक्सेस बनाने का तरीका क्या होगा, मैं लूंगा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी और इसके अंदर लगाऊंगा लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट हम फर्स्ट लीनियर ग्रेडियंट हम लेते हैं वाइट कलर में, और वाइट कलर मैंने ले लिया है। अब मैं क्या लूंगा, वन पिक्सल किसके लिए, कि जो हमारा लाइन है इसका विड्थ कितना होने वाला है, तो मैंने वन पिक्सल ले लिया है। और इसके अलावा जो सेकंड है लीनियर ग्रेडियंट में, वो हम लेंगे ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट भी लेंगे वन पिक्सल का, ठीक है। और ये जो, अच्छा ओके ओके, अब एक और हमें लीनियर ग्रेडियंट लेना है, तो यहाँ पे कॉमा से मैं सेपरेट करूंगा, एंड देन आई एम टेकिंग, अच्छा मैं इसको नीचे कर दूं पहले, आई एम टेकिंग अनदर लीनियर ग्रेडियंट, तो एक दूसरा लीनियर ग्रेडियंट लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर मैं यही सेम वाइट कलर लूंगा वन पिक्सल का, और कॉमा से सेपरेट करके ट्रांसपेरेंट लूंगा वन पिक्सल का। अच्छा, इसको मैं जरा नीचे कर दूं। अच्छा, अगर अभी मैं चलता हूँ ब्राउजर में, तो अभी मैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो हमें बैकग्राउंड साइज भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ने जो लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करा उसको बैकग्राउंड साइज आप क्या दे रहे हो, तो दो लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करें तो दो बैकग्राउंड साइज देने होंगे। तो बैकग्राउंड साइज में दूंगा 70 पिक्सल का, एंड दूसरे का भी साइज रखेंगे 70 पिक्सल। लेट्स गो टू ब्राउजर, एंड देखिए हम इस तरह से लाइंस मिल जाए, बट मुझे जो है वो वर्टिकल लाइंस भी चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी चाहिए, तो एक को हम वर्टिकली रखेंगे और दूसरे को हॉरिजॉन्टल। तो एक लीनियर ग्रेडियंट में हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन बताएंगे टू राइट, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे, लेट्स गो टू ब्राउजर, तो इस तरह से हमें ग्रिड का ग्रिड समथिंग इस तरह का हमें बॉक्सेस मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। बट तो ये बहुत ज्यादा डार्क है, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइटर बनाऊंगा। सो लाइटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका अल्फा वैल्यू कम कर देंगे, तो ये जो है इस स्लाइडर को मैं नीचे कर दूंगा, तो इसका अल्फा वैल्यू कम हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ले लेता हूँ 0.1, और जो ये वाला है इसको भी जरा कम कर देंगे, और ये वाला मैं रखूंगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा डार्कर, ज्यादा डार्क नहीं बट थोड़ा सा, 0.15 ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड दिस इज आवर ग्रिड, ठीक है, जो बॉक्सेस हैं वो हमने बना ली, परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ आ गया। अब हम चलते हैं ग्लो की तरफ। तो ग्लो हम किससे क्रिएट करेंगे, सूडो एलिमेंट बिफोर से। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, चलता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में, और इसके ऊपर ही मैं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं मेन को उठा के इसके ऊपर लगा देता हूँ सूडो एलिमेंट बिफोर। और बिफोर में सबसे पहले हम यही सेम चीजें हम कंटेंट पे ले लेंगे, कंटेंट के बाद इसमें करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन करूंगा एब्सोल्यूट। और अब जो मैं बना रहा हूँ ग्लो, उसका जो कलर होगा वो मैं बता देता हूँ। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश पर्पल डैश सीएलआर।
अब मैं इसमें विड्थ बता देता हूँ कि मेरा जो जो भी मैं बना रहा हूँ उसका सूडो एलिमेंट जो बिफोर है उसका विड्थ कितना होगा। तो मैं विड्थ ले लेता हूँ 25 RAM का, परफेक्ट सर्कल चाहिए तो दैट्स व्हाई हम एस्पेक्ट रेशियो भी लेंगे 1। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। तो इस तरह का मैं बॉक्स मिल रहा है, इसको हमें राउंडेड बनाना है। तो राउंडेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस करेंगे 50% एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। सो यू कैन सी दिस इज राउंडेड नाउ। अच्छा एक चीज आप नोट करोगे कि ये जो है वो ग्रिड के पीछे है जो हमने लाइंस क्रिएट करा। मुझे ये ऊपर चाहिए तो मैं इसको जेड इंडेक्स करूंगा 3। ओके ये अब ऊपर है, तो मुझे वैसे मुझे ये ऊपर ही चाहिए था आई थिंक, मैं देख लेता हूँ। हाँ ऊपर ही चाहिए मुझे। ओके तो अब ऊपर आ गया है, परफेक्ट। अब इसको अगर सेंटर में लेकर आना है तो पोजीशन एब्सोल्यूट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो पोजीशन एब्सोल्यूट से भी हम चीजों को सेंटर कर सकते हैं। किस तरह से, आपको टॉप लेना होगा 50% का, लेफ्ट लेना होगा 50% एंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको। ट्रांसफॉर्म में भी दो आपने एक्सेस सेट करनी है, एक एक्स एक्सेस एक दूसरा वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस करूंगा -50%, कॉमा से सेपरेट करके वाई एक्सेस -50%। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो दिस इज परफेक्टली सेंटर। अब इसको ग्लो बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे विच इज फिल्टर प्रॉपर्टी, एंड फिल्टर में लूंगा ब्लर एंड ब्लर करेंगे इसको 200 पिक्सल का, ओ सॉरी 200 पिक्सल। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड दिस अवर ग्लो, ठीक है परफेक्ट। अच्छा आई थिंक थोड़ा सा मैं सर्कल का साइज मुझे बढ़ाना चाहिए। मैंने कितना लिया हुआ है, 25। अगर मैं लेता हूँ 35 RAM, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड दिस अवर सर्कल, ठीक है। और ये हमारा आ गया ग्लो, परफेक्ट है। तो हमारा जो है वो सेटअप रेडी है, हमने कंटेंट वगैरह को पुट आउट करना है। तो मैं काम करूंगा लेट्स गो टू। अच्छा अब एक चीज आप नोट करेंगे कि index.html में हमने कुछ भी नहीं करा हुआ, सिर्फ एक मेन का टैग लगाया हुआ है एंड उससे हमने इतना कुछ कर लिया। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सूडो एलिमेंट, ठीक है। तो हमने मेन का टैग लगा लिया। अब मैं इसके अंदर लूंगा अपना नैप और हीरो सर्च। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नैप का टैग ओपन करूंगा जिसके अंदर क्लास पास करेंगे नैप बार का। ओके अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेक्शन का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर क्लास पास करेंगे हीरो डैश सेक्शन का। ओके पर्सनली मैं काम करूंगा, इन दोनों को मैं परफेक्टली साइज दे के आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ फुट होने वाले हैं। लेट्स गो टू style.css। पहले मैं जो है वो उठाऊंगा नैव बार को, नैव बार को मैं हाइट दे देता हूँ 14 BH का, विड में दे देता हूँ नैव बार को 85%। अगर मैं अभी के लिए आपको बैकग्राउंड वाइट की देख के दिखाऊं एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये हमारा आ चुका है नैव बार, बट ग्लो इसके ऊपर आ रहा है तो ग्लो का जरा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं ग्लो के अंदर जेड इंडेक्स मैंने 3 करा हुआ है, अगर मैं इसको जेड इंडेक्स करता हूँ -2, तो नजर नहीं आ रहा अभी। तो मैं काम करता हूँ मेन के अंदर आइसोलेशन प्रॉपर्टी लगा के इसको करूंगा आइसोलेट एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा अभी देखना पड़ेगा कि ये ग्रिड जो है वो ऊपर है या नीचे है। तो अगर मैं यहाँ पे इस फिल्टर को हटा दूँ अभी के लिए, हाँ अभी ऊपर है ये। तो एक काम करेंगे आफ्टर के अंदर सूडो एलिमेंट जो आफ्टर है यहाँ पे मैं जेड इंडेक्स पास करूंगा -1 का। लेट्स सी, अच्छा जेड इंडेक्स 2, अच्छा इसके पीछे -2, यहां पे मैं इसको इस वाले को -1 करता हूँ। ओके ठीक है अभी हमारा सर्कल ऊपर और ग्रिड नीचे। अभी मैं एक काम करता हूँ, नेव बार के भी नीचे है ग्लो, तो एक काम करूंगा मैं इस फिल्टर को अनकमेंट कर देता हूँ। गुड परफेक्ट हो गया।
अब इस अगर मैंने नेवबार को सेंटर में ले आना है तो सिंपल एक काम करेंगे, नेवबार वाले क्लास के अंदर मार्जिन प्रॉपर्टी डालेंगे और मार्जिन करेंगे ऑटो, लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब इसी तरह से हीरो सेक्शन को सेटअप करेंगे, डॉट हीरो डैश सेक्शन। हीरो सेक्शन के अंदर मैं मिनिमम हाइट ले लेता हूँ, कैल का फंक्शन लगाएंगे क्योंकि 100 वीएच टोटल हाइट है, उसमें से माइनस करूंगा 14 वीएच नेव बार का। एंड उसके बाद अगर मैं इसमें बैकग्राउंड पास करता हूँ, फॉर सपोज हमने ले लिया गोल्ड कलर का, एंड यहाँ पे हमने विथ भी ले लिया 85%, बिकॉज नेव बार और जो हीरो सेक्शन उसको हमने सेम विथ रखना है, परफेक्ट। इसको भी अब हम मार्जिन करेंगे ऑटो, तो यहाँ पे मार्जिन कर दूंगा ऑटो, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा नेव बार, इसके अंदर कंटेंट पुट करेंगे हम, और ये आ गया हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है। पहले मैं जाऊंगा हीरो सेक्शन की तरफ, जो मेरा टेक्स्ट है सेंटर में वो उसको सेटअप करेंगे। सो इफ आई गो टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इस हीरो सेक्शन के अंदर मैं एच वन का टैग लगा के इसके अंदर ले लूँ क्यू जे अहमद, एंड इफ आई गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस एंड यहाँ पे मैं H1 को सिलेक्ट करके इसका कलर कर दो वाइट, वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश सी एल आर, एंड बैकग्राउंड जो गोल्ड एंड एफ बार हीरो सेक्शन को उसको मैं रिमूव कर दूँ, तो ये आ गया मेरा टेक्स्ट। अच्छा, इसका फॉन्ट हमने चेंज करना है, बट उससे पहले मैं इसको साइज दे देता हूँ। तो H1 के अंदर मैं यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज ले लूँ 20 रैम का, लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा, अब मैंने फॉन्ट अप्लाई करना है, तो मैं चलता हूँ गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में और सर्च बार में यहाँ पे सर्च करूंगा कॉरिंथिया, ठीक है, ये आ गया फॉन्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से हमने गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, गेट इम्बेड कोड, एंड इम्पोर्ट में जाके पहले ये लिंक इम्पोर्ट का लिंक कॉपी करूंगा, एंड सबसे टॉप में जहाँ पे पॉपिंस वाला पेस्ट करा था उसके नीचे इसको करूंगा पेस्ट। एंड अभी मुझे इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा जो कि मुझे H1 के अंदर पेस्ट करना है, तो इसका ये फॉन्ट फैमिली मैं करूंगा कॉपी, एंड लेट्स गो टू style.css, नीचे स्क्रोल कर रहा हूँ, H1 के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। और फॉन्ट वेट मुझे ज़्यादा नहीं रखना, तो 400 लेंगे, ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए। तो अब गूगल फॉन्ट वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं, एंड दिस इज अवर टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर इसको सेंटर में पुट आउट करना है तो दैट्स वे टू सिंपल, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हीरो सेक्शन के अंदर सिंपल डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर दूंगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट, ये हमारा आ गया टेक्स्ट। अब अगर हमने इमेज पुट आउट करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, लेट्स गो टू index.html एंड H1 के बाद अगर मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग ले लेता हूँ, एंड src के अंदर images forward slash एंड enemyprofile.png और alt के अंदर अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोफाइल इमेज, क्योंकि जब आपका इमेज लोड नहीं होगा ना, तो ये अगर किसी रीजन से आपका इमेज लोड नहीं होता तो ये टेक्स्ट शो हो जाएगा कि इमेज किस चीज का है, ठीक है, तो ये alt के अंदर मैंने डाल दिया। अब अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में एंड रिफ्रेश, तो इमेज काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा आ रहा है हमारे पास, तो style.css में जाके पहले मैं इसको साइज वगैरह सेटअप कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इमेज को उठा के इसके अंदर विद में ऐड करूँगा, इमेज का विद में ले लेता हूँ 40 रैम का, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी अभी कैसे दिख रहा है, तो ये आ गया हमारा इमेज। बाकी अब इसको मैंने कैसे सेटअप करना है, तो उसके लिए मैं पोजीशन करूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है, और बॉटम इसको कर दूंगा जीरो ताकि परफेक्टली बॉटम से जीरो हो और हमें कोई स्क्रोल बार ना मिले, ठीक है। इमेज में बस इतना ही और कुछ भी नहीं करना, एंड या परफेक्ट, इमेज भी आ गया, टेक्स्ट भी हमारा आ गया है। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा वेबसाइट में कि यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रोफेशन हमारा क्या, फुल स्टैक डेवलपर,
ठीक है, तो ये हम किस तरह से लेंगे। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस में इस एच वन के ऊपर लगाऊंगा सूडो एलिमेंट बिफोर, आफ्टर लगा लेते हैं क्योंकि बाद में चाहिए टैक्स, तो सूडो एलिमेंट आफ्टर एंड देन कंटेंट के अंदर अपन क्या करेंगे। अच्छा मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया है। अच्छा कंटेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, लेंगे फुल स्टैक डेवलपर एंड यहाँ पे इसको पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा यहाँ एब्सोल्यूट करा हुआ है तो एच वन के अंदर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव, तो यहाँ पे इसको पोजीशन रिलेटिव कर देंगे एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा ये नजर आ रहा है लेकिन इसका मुझे फॉन्ट पॉपिंस वाला ही चाहिए, तो मैं काम करूंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर ये जो पॉपिंस है इसको कॉपी करके जो एच वन के ऊपर हमने सूडो एलिमेंट आफ्टर लगाया हुआ है वहां पे इसको करूंगा पेस्ट। एंड फॉन्ट साइज भी ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो मैं फॉन्ट साइज खुद से सेट करूंगा एंड फॉन्ट साइज अपन ले लेते हैं 1.4 रैम। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी, ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है इमेज को थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूं साइज, लेट्स गो विद 42 रैम, गुड। अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पे मैं करूं राइट -15%, लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है और मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे ये बॉटम में चाहिए, तो यहाँ पे करूंगा बॉटम एंड बॉटम ले लेता हूँ 17%। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। ठीक है ये मुझे अपर केस में इसको अगर कन्वर्ट करना है, सो हम क्या करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस एंड थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगा लेटर स्पेसिंग, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेटर स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग दूंगा पॉइंट, ज्यादा नहीं लेंगे 0.08 रैम ले लेता है। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। और अब अगर हमें पैराग्राफ चाहिए तो मैं आपको वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ ये वाला पैराग्राफ, ये अगर हमें चाहिए तो हम एक काम करेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके पहले एक इमेज के नीचे मैं एक पी का टैग लगाऊंगा। अच्छा इसको मैं सेक्शन को नीचे करके इसके अंदर एक पी का टैग लगा लेता हूँ जिसके अंदर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट मुझे चाहिए होगा। अच्छा टेक्स्ट क्या है, प्रीमियम वेब डिजाइन डेवलपमेंट एंड एसईओ, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज टू हेल्प योर बिजनेस आउट, इसके बाद सर्विसेज टू हेल्प योर बिजनेस स्टैंड आउट। ठीक है ये आ गया हमारा टेक्स्ट एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा, लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस एंड यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ एंड लेट मी सिलेक्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 0.95 रैम का, इसको भी पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट क्योंकि मुझे इसको ऊपर जो है वो सेट करना है अपने हिसाब से, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा तो कलर में ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश वाई डैश सी एल आर एंड इसमें मैक्स विड्थ में सेट कर देता हूँ 300 पिक्सल का। लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा 300 थोड़ा कम है, 350 परफेक्ट। अब मैं अगर इसमें लेटर स्पेसिंग ले लूं, लेटर स्पेसिंग 0.06 रैम का। अच्छा सेट मैंने इसको कहाँ पे करवाना है,
मैंने इसको यहाँ पे सेट करना है, तो वो सेट कर लेते हैं। यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे करूंगा लेफ्ट 10%। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। ओके, यहाँ पे तो हमें मिल रहा है, थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर भी ले जाना पड़ेगा। तो अगर मैं टॉप प्रॉपर्टी लेता हूँ 15% का, लेट्स गो टू ब्राउजर, अच्छा ये अगर मैं हीरो सेक्शन में जाके यहाँ पे कर दो पोजीशन रिलेटिव, लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके, तो अच्छा थोड़ा सा मैं अगर लेफ्ट में इसको ले जाऊं 5%, और यहाँ 350 लिया हुआ है, 370 पिक्सल। ओके ओके, तो क्या स्टैंड अपने डाल दिया है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अगर index.html में इस स्टैंड को, ओके परफेक्ट। अच्छा अगर मैं style.css में इसको लेता हूँ 15%, आई थिंक 5 ठीक है। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब हम चलते हैं नेवबार की तरफ। तो नेवबार में सबसे पहले हमें चाहिए होगा लोगो, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले चलते हैं index.html में, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, आप नेवबार के अंदर कुछ कंटेंट वगैरह ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा लोगो, तो एक div लूंगा विद क्लास नेम लोगो, एंड उसके अंदर मेरा जाएगा यहाँ पे लोगो। तो सबसे पहले मैं ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, एंड सर्च बार में अपन सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। अभी हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, एंटर प्रेस करा, फर्स्ट लिंक या आपको फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट का मिलेगा, उसको क्लिक करके आपने ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट में अपन आ चुके हैं। ऊपर हम आइकन्स पे क्लिक करेंगे, एंड सर्च बार में मैं सर्च करूंगा, एक अगर आइकन मेरे पास हो, मतलब अहमद, ये रहे सारे। ठीक है, तो इसमें से मुझे जो चाहिए, ये वाला अलगोलिया वाला, ठीक है, ये वाला आइकन मैं उठा लेता हूँ। ए मुझे मिल रहा है ना, तो मेरा काम तो बन जाएगा। इसको मैंने ओपन कर लिया है, इसका ये जो एचटीएमएल टैग है इसको हम करेंगे कॉपी, एंड लेट्स गो टू index.html, इस लोगो के डिफ के अंदर इसको करेंगे पेस्ट, एंड लेट्स गो टू, अच्छा इसको, इसके थ्रू मैं इसको जो है वो स्टाइल कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी करूंगा, एंड style.css में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करके, अच्छा क्लास से डॉट लगाएंगे, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉन्ट साइज डालूंगा, फॉन्ट साइज दूंगा 2.5 rem का। बाकी जो कलर है, कलर इसका रखेंगे वेरिएबल डैश डैश पर्पल डैश सीएलआर। लेट्स गो टू ब्राउजर, अब चलते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट में, एंड ये आ गया हमारे पास आइकन, ठीक है, लोगो आ गया हमारे पास। अब हमें लिंक्स बनाने, तो मैं क्या करूंगा, index.html में जाके लोगो के नीचे मैं यहाँ पे एक यूएल का टैग लगा लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्लास पास करूंगा, क्लास नैव लिस्ट, एंड इसके अंदर लिस्ट बनाने के लिए एलआई का टैग ओपन करेंगे, एंड उसके अंदर एंकर लगाएंगे, एंड फर्स्ट लिंक हमारा हो जाएगा सर्विसेज का। लेट्स गो टू वेबसाइट एंड देख लेते हैं, पहला सर्विसेज, दूसरा वर्क अबाउट, ब्लॉग पेजेस। तो इसी को मैं कॉपी करूंगा, बट उससे पहले यहाँ पे क्लास पास करूंगा नैव लिंक्स का। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करके नीचे करूंगा पेस्ट, ये हो जाएगा वर्क। अच्छा नीचे इसको पेस्ट कर लेता हूँ,
सर्विसेज वर्क, ये हो जाएगा अबाउट, ये हो जाएगा ब्लॉग, एंड लास्ट वाला अपन करेंगे पेजेस का, तो ये हो जाएगा पेजेस। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। तो 5 हमारे पास लिंक्स आ चुके हैं। अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो टोटल हमारे पास 5 ही है। एक हमारे पास लेट्स टॉक का बटन है। तो अगर मैं जाऊं index.html में और इसी को लिस्ट को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं, एंड यहां पे क्लास के बजाय मैं यहां पे क्लास डाल दूं नेव डैश btn का, और ये हमारा हो जाएगा बटन लेट्स टॉक का। तो यहां पे आ जाएगा लेट्स टॉक, ठीक है। अब इनको हम स्टाइल कर लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू style.css एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं उठाऊंगा नैव लिस्ट को। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ब्राउजर में दिखाऊं तो ये कॉलम में आ रहा है। देखिए ये आइकन है हमारे पास, ये नैव लिंक से ये कॉलम में। तो अगर ये रो में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नैव बार वाला जो क्लास है वहां पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी करेंगे फ्लैक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो देखिए वर्टिकली सेंटर हो गए। अब अगर मुझे स्पेस बिटवीन करना है तो उसको जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब अगर ये नैव लिंक्स जो है वो मुझे रो में चाहिए तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो नैव लिस्ट, मुझे मैंने नैव लिस्ट वाला क्लास उठा लिया। यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, एंड यहाँ पे भी वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। तो अब चलते हैं ब्राउजर में। तो ये यहाँ पे देखिए ये भी रो में आ चुके हैं, एंड इनके बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो वो हम लेंगे गैप, और गैप ले लेता हूँ 2 रन का। लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे ये बुलेट्स रिमूव करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे li को उठा के li के अंदर लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी कर दूंगा नन। इससे क्या होगा, आपके जो भी बुलेट्स हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर वो रिमूव हो जाएंगे। एंड लिंक्स के नीचे अंडरलाइन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंकर को उठा के टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। तो क्या होगा, लिंक्स के नीचे का जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाएगा, परफेक्ट। यहाँ तक अब हम इन लिंक्स को जो है वो स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नैव लिंक्स वाले क्लास को उठाऊंगा। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ डॉट नैव लिंक्स, एंड सबसे पहले कलर चेंज करके करेंगे वाइट। अच्छा, बैकग्राउंड में वो कलर है ना एफ बार के, उसको रिमूव करूंगा। तो लेट्स गो टू नैव बार क्लास, एंड उसके अंदर जो बैकग्राउंड वाइट कलर है उसको रिमूव करूंगा, वो बस हमने चेक करने के लिए लिया था, ठीक है। तो वो मैंने रिमूव कर दिया है, एंड गुड। आप एक बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर 0.1 rem का सॉलिड, पर्पल कलर चाहिए हमें जो हमने बनाया हुआ है, पर्पल कलर लेके इसको थोड़ा सा मैं लाइटर बनाऊंगा, सॉरी 6e, इससे ही थोड़ा सा लाइट हो जाए। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट। अब देखें इनके यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल रहा है। अच्छा, बॉर्डर के अंदर आपने अगर पैडिंग डालना है तो यहाँ पे हम करेंगे पैडिंग, पैडिंग में ले लेता हूँ 0.4 rem टॉप एंड बॉटम के लिए, राइट एंड लेफ्ट के लिए करेंगे 1 rem, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, गुड। अब राउंडेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस करेंगे 50%, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। अच्छा, 50% से ये अजीब लग रहा है, 5 rem लेंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश, तो ये आ गया हमारे नैव लिंक्स। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि नैव लिंक्स को जैसे ही मैं होवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट नैव लिंक्स को जब भी मैं होवर करूंगा, तो होवर करने पे मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो करूंगा वेरिएबल डैश डैश पर्पल डैश cla, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, और यहाँ पे जैसे होवर करते हैं देखिए कलर चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप स्मूथ बना सकते हैं बाय अप्लाइंग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑन नैव लिंक्स क्लास। तो यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे 0.3
2 seconds is an out. Let's go to browser. अब जैसे होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें इस तरह का ट्रांजिशन होगा। अब मैं काम करूंगा लास्टली अपने बटन को स्टाइल कर लेता हूँ लेट्स टॉक वाले। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बटन क्लास को उठाऊंगा जो हमने क्रिएट करा हुआ है डॉट नैव डैश पीटीएन, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा पैडिंग। पैडिंग लूंगा टॉप एंड बॉटम 0.6 रैम का और राइट एंड लेफ्ट लेंगे 1.4 रैम। अच्छा, बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड अपन रखेंगे वेरिएबल डैश डैश पर्पल डैश सीएलआर। फॉन्ट साइज लूंगा 1 रैम का। अच्छा, टेक्स्ट का जो कलर है वो लेंगे वाइट। वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश सीएलआर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश करा तो ये हमारा आ गया बटन। इसको भी कॉर्नर से राउंडेड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे एंड बॉर्डर रेडियस लेंगे 5 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा बटन एंड देन ये आ गया हमारे लिंक्स, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको एक काम करेंगे हम लेफ्ट 0 ही कर देते हैं हीरो सेक्शन, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में मैं लेफ्ट 5% के बजाय लेफ्ट 0 ही कर दूँ तो आई थिंक ठीक रहेगा। ओके, गुड, यहाँ तक परफेक्टली हमने जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्टली जो है वो ये लिंक्स बनाने, सोशल मीडिया आइकन्स लगाने। तो उसके लिए क्या करूँगा, लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड हमें हीरो सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे एक डिफ का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर एक क्लास पास करूँगा सोशल आइकन्स ले लेता हूँ। अच्छा, इस डिफ के अंदर पहले मैं जो है वो एंकर का टैग लगा लेता हूँ, एक पहले बनाऊंगा और इसके अंदर आइकन के लिए मैं आइकन टैग लगा लेता हूँ। अच्छा, वही सेम तरीका है, फॉन्ट ऑसम में जाके आप फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरह से आइकन उठा सकते हैं। मुझे क्लासेस नेम याद है इसलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ क्लास, और क्लास में ले लेता हूँ एफ डैश ब्रांड्स और यहाँ पे मैं लूंगा एफ डैश फेसबुक, और फेसबुक का मुझे एफ वाला आइकन चाहिए, डैश एफ करेंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए फेसबुक का आइकन आ चुका है। अभी आपको ब्लू कलर में है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है सही से या नहीं, तो मैं इसका कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। बट यहाँ पे एंकर के अंदर अभी के लिए मैं क्लास पास कर देता हूँ एंड क्लास में ले लेता हूँ आइकन का एंड लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस। नीचे मैं यहाँ पे पहले आइकन को स्टाइल कर लेता हूँ डॉट आइकन, आइकन क्लास को उठा के मैं यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ 40 पिक्सल का। एस्पेक्ट रेशियो लूंगा 1 बिकॉज परफेक्ट सर्कल बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस ले लेंगे 50% एंड बैकग्राउंड का जो कलर है वो वाइट रखेंगे। बैकग्राउंड वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश सीएलआर। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। एज यू कैन सी दिस इज अवर फेसबुक आइकन। अच्छा, आइकन का कलर अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डॉट एफ ए ब्रांड्स वाले क्लास को उठाएंगे जो आइकन के अंदर हमने अप्लाई करा था एंड कलर इसका करेंगे वेरिएबल डैश डैश पर्पल डैश सीएलआर। अच्छा, एक काम करेंगे, मैं एक काम कर लेता हूँ, डॉट सोशल डैश आइकन वाले क्लास को उठा लेता हूँ जो कि मैंने बनाया था, आइकन से सॉरी, डॉट सोशल आइकन्स। अच्छा, इसमें कुछ भी करूँ मैं, उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ, मुझे 4 टोटल आइकन्स चाहिए, इसको कॉपी करके नीचे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पेस्ट कर दिया। शिफ्ट हाईलाइट करके शिफ्ट अल्ट डाउन एरो जब आप प्रेस करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला आइकन में ले लेता हूँ इंस्टाग्राम का, थर्ड वाला ले लेता हूँ ट्विटर एंड
एंड लास्ट वाला ले लेते हैं बिहांस का, तो यहाँ पे आ जाएगा बिहांस। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी, यहाँ पे रिफ्रेश करा तो ये देखिए चारों हमारे पास आइकन्स आ चुके हैं। एंड अब हम एक काम करेंगे style.css में जाके सोशल आइकन वाले क्लास के अंदर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैग्स, ठीक है, इनको मुझे रो में लेकर आना है, तो फ्लैग्स रो में कह रहा हूँ कॉलम में ले आना है, तो फ्लैग्स डायरेक्शन करेंगे कॉलम, ठीक है। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश करा तो ये आ गया कॉलम में, बट ये आइकन्स मुझे सेंटर में चाहिए और आइकन्स का थोड़ा सा आई थिंक मुझे साइज भी बढ़ाना चाहिए, बहुत साइज में कम लग रहा है, तो एफ ए ब्रांड्स के अंदर फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1.2 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर रिफ्रेश, परफेक्ट, तो ये हमारे पास आ गए आइकन्स। अब मैंने इसको सर्कल के बिल्कुल सेंटर में ले आना है, तो एक काम करूंगा सोशल आइकन्स के अंदर पहले तो मैं इसमें गैप ले लेता हूँ 1 रैम का, ठीक है। आइकन्स को सर्कल के सेंटर में लेकर आना है, तो उसके लिए आइकन क्लास के अंदर मैं लूंगा टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, ठीक है, और वर्टिकली सेंटर करने के लिए लाइन हाइट प्रॉपर्टी लूंगा 40 पिक्सल का, क्योंकि विद 40 पिक्सल है तो लाइन हाइट भी लेंगे 40 पिक्सल और परफेक्टली सेंटर है। अब मैंने इसको प्लेस करना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर जाएंगे सोशल आइकन्स वाले क्लास में और यहाँ पे करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, ठीक है, और अब प्लेस हम करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँगा लेफ्ट 0, लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट से 0 हो गया। अब अगर मैं इसको करूँ लेफ्ट 45 पिक्सल का, अच्छा बहुत ज़्यादा कर लीजिए, अच्छा मैं एक काम करता हूँ इसको index.html में जाके अगर मैं इसको, ये देखिए सेक्शन के अंदर है ना, अगर इसको सेक्शन से बाहर करें, तो इस सेक्शन को मैं कॉपी करूँगा, सेक्शन का जो क्लोजिंग टैग है इसको कॉपी करके यहाँ से हटा के इसको मैं सोशल आइकन्स के ऊपर करूँगा ताकि ये बाहर निकल जाए बस पैराग्राफ पर। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर रिफ्रेश, अच्छा लेफ्ट मैंने यहाँ पे 45 पिक्सल कर दिया है, तो एक काम करूँगा आप यहाँ पे मैं टॉप प्रॉपर्टी बॉटम प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, बॉटम 25 पिक्सल अगर ले लूँ। लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा एक चीज़ मैं अभी यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि जो आइकन लोगो है हमारा, लोगो का जो साइज है वो कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस, ये हमने जो एफ ए ब्रांड्स वाला लगाया हुआ है, एंड इसको यहां से कॉपी करके यहां पे मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ एंड रिफ्रेश, ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारा लोगो एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन नाउ। अब अगर मैं एक काम करूंगा यहाँ पे होवर इफेक्ट लगाऊंगा इन सोशल आइकन्स के ऊपर, तो एक काम करता हूँ मैं इन style.css में जाके जो हमारा आइकन क्लास है उसको मैं उठा के उसको जब भी मैं होवर करूंगा, होवर करने पे एक तो हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट करूंगा एक्स एक्सिस में 30% का। लेट्स गो टू ब्राउजर, अब जैसे होवर कर रहा हूँ तो ये देखें इस तरह से आगे ये मूव कर रहा है, रिफ्रेश,
ठीक है, इसको स्मूथ बनाने के लिए आइकन क्लास के अंदर ट्रांजिशन लगाएंगे, तो आइकन क्लास के अंदर यहाँ पे लगाएंगे ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन में ले लेता हूँ 0.5 सेकंड्स का इज इनफ। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड यहाँ पे जैसे वर्क कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दिस। अच्छा, आइकन को ओवर करने पे मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करूंगा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ, वेरिएबल डैश डैश पर्पल डैश सीएलआर ओवर करने पे, और आइकन का अगर चेंज करना है तो डॉट, तो आइकन को जब भी मैं ओवर करूंगा तो एफ ए डॉट एफ ए डैश ब्रांड्स कलर में क्या कर दूंगा, वाइट। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी यहाँ पे जैसे वर्क करते हैं, पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, एंड जैसे वर्क कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, गुड। एक काम करता हूँ, एफ ए ब्रांड्स में भी एक ट्रांजिशन लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन ले लेता हूँ 0.5 सेकंड्स का इज इन आउट, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर रिफ्रेश। अब जैसे होवर कर रहा हूँ तो देखिए इस तरह का हमें ट्रांजिशन मिल रहा है, एंड परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि इसका डेस्कटॉप वर्जन कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसको बनाएंगे रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट को पहले क्लोज कर देता हूँ, स्क्रीन का साइज मैं कम कर देता हूँ, और अब देखिए चीज़ें इधर उधर है, तो अभी हम इसको सेटअप करेंगे, सारा कुछ सेट हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, index.html में जाके, अच्छा index.html, अच्छा हमने हैमबर्गर तो लिया ही, पहले काम करेंगे index.html में जाके ul के बाद मैं यहाँ पे एक एंकर लगा लेता हूँ, एंड एंकर के अंदर हम आई का टैग लगा के फॉन्ट ऑसम का ये मैं ले रहा हूँ आइकन, क्लास मैंने लगा दिया है एफ ए डैश सॉलिड, और यहाँ पे लेंगे एफ ए डैश बार। लेट्स गो टू style.css एंड यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ डॉट एफ ए डैश बार्स वाले क्लास को, फॉन्ट साइज में लूंगा 1.6 रैम का, एंड कलर इसका मैं रखूंगा वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश सीएलआर। लेट्स गो टू ब्राउजर और हमारा आइकन आ चुका है, ठीक है, तो एफ एफ सॉलिड ही होता है, मैं वही देख रहा हूँ, तो आइकन आ चुका है हमारा। अब हमने डेस्कटॉप वर्जन में इसको शो नहीं करवाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास पास करूंगा हैमबर्गर का, एंड लेट्स गो टू style.css और अभी के लिए हैमबर्गर क्लास को उठाएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी नल, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश। तो अभी देखिए हमें शो नहीं हो रहा, मोबाइल वर्जन में हम इसको शो करवाएंगे, तो मैं दोबारा से स्क्रीन का साइज कम कर देता हूँ, एंड अब मीडिया क्यूरीज लगा लेते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग के नीचे जाके यहाँ से लगाऊंगा मीडिया क्यूरीज, एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विद में ले लेता हूँ 680 पिक्सल का, और 680 पिक्सल में सबसे पहले तो मैं नैव लिंक्स को अभी के लिए हाइड करूंगा, डॉट नैव नैव लिस्ट क्लास को उठा के इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी करेंगे नन, अभी के लिए तक के नजर नहीं आए, और हैमबर्गर शो करवाना है तो हैमबर्गर क्लास को लेके उसको करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, क्या कर दिया मैंने, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और दैट्स इट, इतना भी करना है नेव बार के लिए। लेट्स गो टू ब्राउजर रिफ्रेश, या आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लोगो को भी थोड़ा सा कम साइज देना है तो वो भी आप कर सकते हैं, डॉट एफ ए डैश अलगोलिया क्लास को उठा के आप फॉन्ट साइज ले सकते हो, 0.2 रैम ले लो, तो 2 रैम ले लिया। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश,
तो लोगों का भी साइज थोड़ा कम हो गया, परफेक्ट। आप यहाँ पे चीजों को सेट कर लेते हैं हीरो सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा इमेज को, इमेज का साइज थोड़ा कम करेंगे, तो इमेज में मैं विथ ले लेता हूँ और विथ लूंगा 30 RAM का। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। और एक काम करता हूँ, जो ग्लो है उसका भी साइज आई थिंक बहुत बड़ा है, तो मैं उठाऊंगा मेन को एंड मेन का जो सूडो एलिमेंट बिफोर है उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर मैं विथ ले लेता हूँ 25 RAM का एंड एस्पेक्ट रेशो कर देंगे 1। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये आ गया हमारा ग्लो, थोड़ा सा ये लाइटर हो गया। अब हमने H1 को सेट करना है, H1 का साइज क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो H1 का साइज कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ H1 को एंड H1 के अंदर फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 5 RAM का। लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है। अच्छा, मुझे इसको ऊपर ले जाना है, तो एक काम करेंगे हीरो सेक्शन को उठा के हीरो सेक्शन के अंदर अलाइन आइटम्स करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट ताकि ऊपर चला जाए। लेट्स गो टू ब्राउजर, गुड। अब ये जो फुल स्टैक डेवलपर है ये हमने लगाया हुआ है किस चीज से, H1 के सूडो एलिमेंट, H1 के ऊपर हमने सूडो एलिमेंट लगाया था ना, तो H1 को उठा के H1 के ऊपर हमने लगाया था बिफोर, तो इसमें करेंगे क्या, इसका भी हमें साइज कम करना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज अपन ले लेते हैं 0.9 RAM का एंड इसको नीचे ले जाने के लिए बॉटम करूंगा -80% का। लेट्स सी कैसे लग रहा है, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे अगर करता हूँ 10%, अच्छा हमने आफ्टर लगाया था, सॉरी सूडो एलिमेंट आफ्टर से लगा हुआ है बिफोर से नहीं, H1 के ऊपर सूडो एलिमेंट आफ्टर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फुल स्टैक डेवलपर, गुड। अच्छा, अगर मैं 0.95 RAM ले लूँ, ठीक है, थोड़ा सा अगर पैराग्राफ को अपन सेट कर ले, पैराग्राफ का अगर फॉन्ट साइज कम कर दो, पैराग्राफ को उठा के फॉन्ट साइज करूँ 0.9 RAM एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, हमें कोई स्क्रोल बार भी नहीं मिल रहा। एंड ये आ गया इमेज एंड ये आ गया हमारे सोशल आइकन्स। अब मैंने क्या करना है, नैव लिंक्स है जो हमारे उसको शो करवाने, तो उसको सेटअप कर लेते हैं। ऊपर मैं स्क्रोल कर देता हूँ, यहाँ पे जो नैव लिस्ट है ये मैंने डिस्प्ले नन करा हुआ है, इसको मैं करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स डायरेक्शन इसका करूँगा कॉलम। लेट्स गो टू ब्राउजर, ये देखिए कॉलम में आ गया, मुझे इसको सेंटर में सेट करना है, तो पहले इसको करूँगा पोजिशन एब्सोल्यूट, यहाँ पे मैं टॉप ले लेता हूँ 15%। लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट राइट से मैं जो परफेक्टली सेंटर करना है इसको, तो लेफ्ट में ले लेता हूँ 50% और ट्रांसफॉर्म करूंगा ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट करेंगे एक्स एक्सिस में, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस में इसको सेंटर करना है, तो ट्रांसलेट एक्स करेंगे -50%। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश, देखिए परफेक्टली सेंटर है। अब इसमें एक बैकग्राउंड लगाएंगे, तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश CLR। अच्छा, अगर मैं इसमें विद डालूँ, विद में ले लूँ 35 RAM का, 35 ज़्यादा हो जाएगा, 23 RAM और पैडिंग ब्लॉक ले लूँ टॉप एंड बॉटम से पैडिंग, पैडिंग ब्लॉक ले लो 3 RAM का। लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है। अच्छा, ये नीचे है, इसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा, तो Z इंडेक्स यहाँ पे करेंगे 4।
लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब थोड़ा सा राउंडेड भी हम बना सकते हैं, बट लिंक्स के बीच में मैं थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे गैप डाल देता हूँ 3 रैम का, एंड थोड़ा सा इसको राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस लूंगा 2 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अच्छा एक काम करेंगे, मैं इसको परफेक्टली जो ब्लैक कलर है वो नहीं रखूंगा इसका बैकग्राउंड, तो मैं चाहता हूँ कि पीछे जो हमारा ये वेबसाइट है वो नज़र आना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा बैकड्रॉप फिल्टर। तो यहाँ पे करेंगे नेवलिस्ट के अंदर बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा ग्लासी लुक देने के लिए। तो बैकड्रॉप फिल्टर करेंगे ब्लर, एंड देन ब्लर में लूंगा 10 पिक्सल ले लेता। लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश। अभी हमें ग्लासी लुक नहीं दे रहा, तो एक काम करेंगे यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं वेरिएबल को हटा के यहाँ पे सिंपल एक ब्लैक कलर लूंगा, और इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल अपन कम करेंगे। तो यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कम करेंगे, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी देखें कुछ इस तरीके से आपको ये ग्लासी लुक देगा। फिर तो बैकड्रॉप फिल्टर लगा के फिर आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट कलर लगाना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, नैव लिस्ट। अब मैंने क्या करना है, बटन के क्लिक पे जब भी मैं हैमबर्गर पे क्लिक करूं तब मुझे ये आइकन शो होने चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको हाइड करवा देता हूँ। तो मैंने टॉप रखा हुआ है 15%, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए मैं इसको करूंगा -100%, ताकि अभी के लिए ऊपर चला जाए, बाद में हम इसको शो करवाएंगे। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ न्यू script.js के नाम से। अच्छा सबसे पहले हम इस script.js को लिंक करवाएंगे। तो मैं index.html में जाके नीचे स्क्रोल कर देता हूँ, और जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लगा के इसके अंदर src पास करूँगा, script.js फाइल का नाम डालेंगे script.js, ठीक है। अब ये लिंक हो चुका है, अब हम चलते हैं, हमने क्या क्या करना है मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा हमने हैमबर्गर को क्लिक करवाना है और लिंक्स को शो एंड हाइड करवाना है। तो इन दोनों के अंदर पहले एक आईडी पास करेंगे, ठीक है। तो हैमबर्गर के अंदर एक आईडी पास करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक आईडी पास कर दूंगा हैमबर्गर का, और लिंक्स के अंदर जो हमारा नैव लिस्ट क्लास है वहां पे जाके एक आईडी पास करेंगे लिस्ट का, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इन दोनों को उठाएंगे। तो script.js में जाके सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ, तो const करके एक वेरिएबल बना देता हूँ हैमबर्गर के नाम से, और इसको मैं इक्वल रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, क्योंकि मैंने HTML में आईडी पास करा हुआ है, और यहाँ पे हम आईडी उठाएंगे हैमबर्गर। और दूसरा भी हम इसी तरह लिस्ट के लिए करेंगे, तो मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा सिंपल। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब हैमबर्गर वेरिएबल को नाम हम हैमबर्गर नहीं बल्कि लिस्ट रखेंगे, एंड यहाँ पे हम आईडी की जगह भी कर देंगे लिस्ट, ठीक है। दोनों हमने वेरिएबल बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इस हैमबर्गर के ऊपर इवेंट लगाएंगे। तो हैमबर्गर को उठा के हैमबर्गर के ऊपर लगाऊंगा डॉट एड इवेंट लिस्नर, और ये लेगा 2 पैरामीटर्स, एक इवेंट लेगा क्लिक, और दूसरा मैं इसमें पास कर देता हूँ एक एरो फंक्शन। तो यहाँ पे आ गया एक एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लिस्ट को जो है वो क्लास चेंज करवाऊंगा। मैंने अभी तक क्लास बनाया नहीं है, तो style.css में जाके यहाँ पे अभी मैंने इसको करा है टॉप -100%। तो अगर मुझे इसको शो करवाना है तो मुझे इसका टॉप 15% रखना पड़ेगा, तब जाके ये शो होगा। अभी देखिए शो नहीं हो रहा, रिफ्रेश करा लेकिन नैव लिस्ट शो हो रहा। तो हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ पे -100% रखेंगे, और एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे मीडिया क्यूरीज के अंदर डॉट नैव लिस्ट डैश एक्टिव के नाम से,
और इसके अंदर मैं टॉप प्रॉपर्टी क्या करूंगा, माइनस 15, माइनस नहीं बल्कि 15%। एंड लेट्स गो टू script.js। अभी हम लिस्ट वेरिएबल को उठा लेते हैं, तो लिस्ट के अंदर डॉट एक क्लास ऐड करेंगे, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, मतलब शो एंड हाइड के लिए मेथड यूज होता है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो हमने न्यू क्लास क्रिएट करा हुआ है उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम करेंगे nav list dash active, एंड इफ आई गो टू ब्राउजर एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, और जब भी मैं अभी अगर हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मुझे देखे nav link शो हो रहा है। और इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं style.css में जाके जो nav list वाला क्लास है उसके अंदर एक ट्रांजिशन पास करूंगा, और ट्रांजिशन में लूंगा 0.6 seconds ease in out। लेट्स गो टू ब्राउजर और रिफ्रेश करा यहाँ पे। अभी जैसे मैं हैमबर्गर पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इस तरह से मुझे स्मूथली ये ट्रांजिशन मिल गया। अब अगर मैंने आइकन भी चेंज करवाने, एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, मैं आइकन भी चेंज करवा देता हूँ। तो अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आइकन चेंज अगर आपने करना है इनटू कैंसल, ठीक है, क्रॉस आइकन में, तो कैसे करेंगे script.js में। सबसे पहले तो index.html में जाके जहाँ पे भी आपका हैमबर्गर का आइकन है, तो मेरा कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें हैमबर्गर के अंदर ये वाला आइकन है मेरा FA bars वाला। इसके अंदर पहले मैं क्या करूँगा, एक आईडी पास करूँगा। तो यहाँ पे एक आईडी पास कर देता हूँ, लेट्स नेम इट bars। एंड अगर मैं जाऊँ script.js में और इसका भी इसी तरह से एक वेरिएबल बनाऊँ, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, लिस्ट के बजाय मैं इसको करूँगा bars। एंड आईडी हमने क्या दिया हुआ है, bars, यहाँ पे भी चेंज करके इसको bars करेंगे। एंड इसके नीचे अब मैं इस bars को उठाऊंगा और इसका भी क्लास इसी तरह से चेंज करेंगे, bars डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। और यहाँ पे हम ऐड क्या, कौन सा क्लास करवाएंगे, ये मैंने, ये जो कैंसल वाला आइकन है आप फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हो और वहाँ से आप क्लास उठा सकते हो, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी पता है जो कैंसल आइकन है उसका जो है वो क्लास का नाम क्या है, fa-xmar। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड जब भी मैं अभी अगर इस हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ, देखें आइकन चेंज हो चुका है इनटू अ क्रॉस आइकन। और दोबारा अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें नैव लिंक्स भी जो है वो हाइड हो गया, लिस्ट हमारा और आइकन भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हमारा ये वेबसाइट जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट, एनिमी पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा इसका मोबाइल वर्जन और ये रहा इसका डेस्कटॉप वर्जन। तो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।